नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं वरविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स, प्रॉपर्टी मॉल। और मेरे साथ हैं वरिंदर सिंह जी। वरिंदर जी आर्मी में है जी? तो ये आर्मी में है और इन्होंने 10 महीने पहले हमारे साथ कुछ इन्वेस्टमेंट करी थी और इस महीने 14 तारीख को इनका टाइम पूरा हो रहा था। हमने 1 महीना पहले इनको फोन कर दिया कि जी आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर जो प्रॉफिट बना है वो आके आप ले जाए हमारे से। तो अब फाइनली आज ही आए हैं और इनको जो इतने इन्वेस्टमेंट करी थी उसका रिफंड भी दिया है, उसका इंटरेस्ट भी दिया है, प्रॉफिट भी दिया है। तो जो इनका एक्सपीरियंस ये खुद बयान करना चाहें वो ये खुद करें। सर, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने सर की वीडियोस आई थी 10 मंथ पहले, मैंने देखी थी और उसमें आपने वीडियो डाली थी कि आपको जो अमाउंट है मिनिमम 5 लाख का था आपका, मैक्सिमम जितना भी जा सकते हैं। तो उसमें मैंने काफ़ी फिर सोचा, विचार किया, तो मैंने इरादा बनाया कि आपको एक बार पैसे दे के देखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी प्रॉफिट है, 25% नहीं देता है कोई भी बैंक। तो मैंने फिर 25 लाख आपको दिए थे और उसका आपने आज मुझे 30 लाख दिया बैक, मुझे उसका विद प्रॉफिट 25। मैंने 24 लाख लिए थे और आपने 30 लाख मेरे को वापस दिया जी 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 और मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ, क्योंकि आपने 1 मंथ पहले ही मुझे कॉल किए हैं और उसका मुझे काफ़ी टाइम से कॉल भी आ रही है। मैं आर्मी में था तो ऑन जॉब था जी, तो मैं स्पेशली आज लीव लेके मैं 2 डेज पहले आया हूँ और उसका मुझे प्रॉफिट मिला है आज। चलिए, तो थैंक यू सो मच सर। और जो लोग अभी जिन्होंने भी इन्वेस्ट करना है उनके लिए क्या? नहीं, आप प्लीज, आप मुझे, मैंने जो देखा है अपनी तरफ से यार बिल्कुल सही है और 25% विद द प्रॉफिट जो भी है सर की वीडियोज आती हैं तो उसमें आप प्लीज इन्वेस्ट कीजिए और आप जो भी प्रॉफिट है सर बिल्कुल अपने उस पर, कोई ऐसे धोखेबाजी नहीं है, कुछ नहीं है। और अब मेरी तरफ से तो यही है कि मैं एक आर्मी पर्सन हूँ, मैंने चेक किया है घर को और सर ने बिल्कुल बिल्कुल राइट टाइम पे मुझे विद पेमेंट विद प्रॉफिट सब कुछ मुझे बैक किया है। आप प्लीज सर, ये जितने जो भी देख रहे हैं वीडियो उसको, तो आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए सर के पास। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक लाइव फीडबैक वीडियो है तो हमने अब शुरू किया है, क्योंकि हमारी जो आईटी टीम है उन्होंने कहा कि जी जितने भी कस्टमर आपके पास आते हैं उनसे आप लाइव फीडबैक लिया करें ताकि जो और देखने वाले हैं उनको भी मोटिवेशन मिले। तो हमने एक एजेंडा लिया है कि रियल स्टेट में हम एज ए सेवा काम निभाना है। मैं सर से बात कर रहा था, जब हमें प्रॉफिट आ रहा है रियल स्टेट में, जब हमें ये सही काम करके प्रॉफिट आ रहा है तो फिर सही काम करना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए। अब इनको जो प्रॉफिट दिया है उसके बाद मेरे को कुछ बचा ही होगा, तो मैं भी ये नहीं कहूँगा कि मेरे को भी लॉस हुआ, मेरे को भी प्रॉफिट आया, इनको भी प्रॉफिट आया। तो जब सबको प्रॉफिट आ सकता है तो फिर क्यों नहीं हम मिलके इन्वेस्ट कर सकते, मिलके उसको बांट सकते। इसमें सिर्फ एक लीडर की कमी होती है। अगर ऑनेस्ट लीडर ये सारा कुछ करेगा तो सब कुछ ठीक होगा, अगर बेईमान लीडर करेगा तो फिर वो अपना घर भरेगा, किसी और को नहीं देगा ना। तो मेरा तो यही मानना है कि मिल बांट के खाओ खर्चो, रल मिल पाई तोड़ ना आए वध हो जाई। तो गुरबाणी का ये संदेश है कि सब हम मिल बांट के खाए पिए और ये कभी कम नहीं होगा। ये खजाना जो है जिसपे गुरुओं की कृपा हो जाए वो कभी कम नहीं होता। तो हमारा खजाना भी भरपूर है, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका भी भरपूर है और परमात्मा सबको भरपूर रखे। धन्यवाद।